वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ सिंह ऑटो जोन। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं भारत की पहली मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिकल एसयूवी की, बिल्कुल जिसको लेकर आ रहे हैं महिंद्रा। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ KUV100। बिल्कुल उसके इलेक्ट्रिकल वर्जन कंफर्म है, पहले भी कंफर्म था, दोबारा से कंफर्मेशन आई है इसकी। बिल्कुल इस नई कंफर्मेशन की बात करेंगे, नए अपडेट की बात करेंगे, इसकी स्पेसिफिकेशन की भी बात करेंगे। अगर आप इंटरेस्ट रखते हो इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली, बने रही वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दे जल्दी से। तो चलिए वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। बिल्कुल पहली अपडेट आ गई थी इस रिगार्डिंग, कंफर्मेशन हो गई थी KUV100 का इलेक्ट्रिक वर्जन निकाल। इस पर काफी टाइम से R&D इवन टेस्टिंग भी चल रही है, उसका प्रोडक्शन मॉडल तैयार हो गया, उस पर टेस्टिंग चल रही है ऑल ओवर इंडिया। बट अब दोबारा से अपडेट निकल कर है उनके जो MD मिस्टर पवन गोयन का, उनका जी जो जिनेवा में भी मोटर शो चल रहा है वहां से दोबारा उनकी कंफर्मेशन निकल कर है कि भाई 2019 में इसी साल सेकेंड हाफ में इसको लॉन्च किया जाएगा। नो डाउट ये इसी दौरान एक और SUV भी लॉन्च होगी Hyundai Kona, बट वो उसको मेड इन इंडिया नहीं कह सकते क्योंकि वो CKD यूनिट मींस कंप्लीट नोगरा यूनिट के थ्रू ही इंडिया में आएगी और उसको सैंपल करके सेल किया जाएगा। ऐसे में बिल्कुल वो उसको मेड इन इंडिया प्रोडक्ट नहीं कह सकते। यहां बात कर रहे हैं मेड इन इंडिया SUV की, एक कॉम्पैक्ट SUV की। बिल्कुल दोस्तों इसका अभी हमें लिथियम बैटरी का तो पैक नहीं हो रहा है, बट इतना अपडेट एक इससे जुड़े एक अपडेट मैं आप शेयर कर लेता हूं आपसे पहले कि महिंद्रा ऑलरेडी LG चैम इस कंपनी के साथ टाई अप हो चुका है इसके। तो इनके आने वाले जितने भी इलेक्ट्रिकल आगे जो कारें होंगी, जो भी प्रोडक्ट हो इलेक्ट्रिकल, उसकी जो बैटरीज है LG के साथ मिलकर बनाएगी। अभी स्टार्टिंग में बिल्कुल हो सकता है कुछ मॉडल वहीं से आए, बट इनका महिंद्रा का जो R&D सेंटर है महाराष्ट्र में, वहीं के आसपास एक नया डेवलपमेंट की जाएगी इस लिथियम बैटरीज को, इंडिया में ही बनाया जाएगा ताकि इनकी आने वाली कारें अफोर्डेबल से, क्योंकि इसमें हम सब जानते हैं कि 40% प्राइस तो इन इलेक्ट्रिक लिथियम आयन बैटरीज का ही है। एक हाई डेंसिटी बैटरीज बनाई जाएगी क्योंकि LG एक्सपर्टाइज है इस तरह की बैटरीज बनाने में। तो दोस्तों इसके आगे हम KUV100 की स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें इसके प्राइस की, तो बिल्कुल यहाँ ये भी अपडेट निकल रहा है, इस पर क्लियर हो गया भाई 10 लाख से कम रहेगा इसका प्राइस। तो जो कि जिस तरह की गाड़ी है, शेप है, आई थिंक काफी फुल एक अच्छी ओपन पे काफी खुली गाड़ी है ये, तो सबसे 10 लाख का प्राइस। अगर हम इसके आगे बात करें इसकी रेंज की, 150 से 200 किलोमीटर के आपके आसपास इसको रेंज आपको मिलेगी। 3-phase की AC इंडक्शन मोटर रहेगी जो कि 31 किलोवाट का पावर जनरेट करेगी मैक्सिमम। टॉप स्पीड आपको यहां पर 110 किलोमीटर के आसपास मिलेगी। वहीं फास्ट चार्जिंग की ऑप्शन भी रहेगी, DC फास्ट चार्ज, यानी कि 80% आपकी फुल बैटरी चार्ज होगी सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट्स में, एक घंटे में। दोस्तों अगर हम इसके अलावा रीजनरेटिव ब्रेकिंग और एक रिव्यू, महिंद्रा के पास दो टेक्नोलॉजी जो कि हर गाड़ी में आने वाली आपको मिलेगी, जिसमें से वो भी आपसे शेयर कर लेता हूं साथ ही। पहली है रिव्यू, इसमें क्या रहता है, एक इमरजेंसी पैक रहेगा बैटरी का। हम कह सकते हैं कि छोटी सी बैटरी लग से रखी, इसका काम क्या रहता है, इन केस फॉर एग्जांपल आपने एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाना लेकिन आपको लगता है कि यार आपकी बैटरी उससे पहले खत्म हो जाएगी कुछ समय, तो ऐसे में सिर्फ एक बटन दबाने से आपको तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर की एक्स्ट्रा रेंज मिल जाएगी। तो आप एक उस डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं, इवन ऐसी जगह पहुंच सकते हो जहां पर आपको उसका चार्जिंग इंफ्रा अवेलेबल हो। इसके अलावा एक और बड़ा अच्छा इनकी ऑप्शन है, वो भी आप उसमें क्या है कि इनकी एक ऐप, इन्होंने महिंद्रा की एक ऐप आती है, उसमें क्या है, उस ऐप के थ्रू आप गाड़ी को, मान लीजिए आपकी गाड़ी कहीं धूप में खड़ी है, अब आपको पता है कि ऑफिस या घर से निकल रहे हो बट आपको मालूम है गाड़ी भाई धूप में खड़ी है तो बिल्कुल हीट होगी अंदर, गाड़ी गर्म होगी, तो ऐसे में एक बटन दबाने से क्या है वो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। मान आपको पता है 5-7 मिनट आप निकलने वाला, आप उस ऐप से ही आप गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, डोर आपके लॉक रहेंगे, डोर कोई भी नहीं खोल पाएगा, तो गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, उसका AC स्टार्ट हो जाएगा। मीन जब तक 5-7 मिनट तक आप ऑफिस या घर से निकल के गाड़ी तक आओगे आपको गाड़ी आपकी चिल मिलेगी। इसके अलावा तीसरे एक और जो स्टैंडर्ड सभी गाड़ियों में महिंद्रा प्रोवाइड कर रही है वो है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। मींस इनके इस मैकेनिज्म में क्या है, जब भी आप ब्रेक लगाते हो हर टाइम उस मैकेनिज्म में एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जो कि दोबारा से आपकी लिथियम आयन बैटरी को चार्ज करते हैं, जिससे कि तकरीबन 6-7% वो बैटरी एक्स्ट्रा चार्ज हो जाती है। अगर हम रेंज 150 की बात कर रहे हैं तो उस हिसाब से तकरीबन 14-15 किलोमीटर एक्स्ट्रा रेंज आपको मिल जाएगी, जो कि अच्छी बात है हाइब्रिड कारों में इस तरह की इस टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज करता, बट इलेक्ट्रिकल आने वाली सभी महिंद्रा गाड़ी में आपको ये टेक्नोलॉजी मिलेगी। तो दोस्तों ये था ओवरऑल अपडेट, आई थिंक सब कवर हो गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब आप लोग कर रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, शेयर जरूर कीजिएगा तभी, ताकि इस तरह के अपडेट जो है सभी को मिलते रहें। आप तो लोग इस अपडेट से अपडेट मिल ही रहे आपको, तो दोस्तों धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।